एक मित्र के माध्यम से एक सूचना भेजी जो मीडिया पर भी चली, कक्षा तीन की पुस्तक में एक पाठ्यक्रम जोड़ा गया मेरी चिट्ठी के नाम से। चिट्ठी आई है के नाम से कोई पाठ्यक्रम जोड़ा गया, उसमें तीन कक्षा की कोई बच्ची चिट्ठी लिखती है जो छापा गया वो लव जिहाद को बराबर देने वाला पाठ्यक्रम छापा गया। उसमें छापा गया है, ये हम आपको सबको बता भी दें, चिट्ठी आई है 17 नंबर पेज पर एक पाठ्यक्रम जोड़ा जिसमें एक चिट्ठी का फोटो लगाया, अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो, हम सब दोस्तों को तुम्हारी बहुत याद आती है, आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे, सभी बड़ों को प्रणाम तुम्हारी लीना। इस प्रकार की चिट्ठी अहमद के नाम से रीना के नाम, रीना के द्वारा एक चिट्ठी का पाठ्यक्रम जोड़ा है जिसमें उनका पता भी लिखा, अहमद अली मकान नंबर 5 ब्लॉक जी मालवीय नगर नई दिल्ली। यह देश का दुर्भाग्य है, चिट्ठी का पाठ्यक्रम बच्चों को सिखाने के लिए अगर जोड़ना ही था तो अहमद की जगह अमर भी तो हो सकता था, आकाश भी तो हो सकता था, अविनाश भी तो हो सकता था और आदर्श भी तो हो सकता था, अहमद ही क्यों रखा गया? क्या प्रायोजित तरीके से तुम हिंदुओं की बेटियों को इन अहमदों के चक्कर में पड़वाना चाहते हो? और यदि नहीं तो जो भारत के सोए हुए हिंदू है एक अकेला बागेश्वर बाबा बोल के क्या करेगा? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है? क्या तुम्हारा भारत नहीं है? क्या तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है? क्या तुम्हारा सनातन नहीं है? क्या तुम्हारे पूर्वजों ने इस देश में जीवन नहीं दिया? तो एक अकेले बागेश्वर महाराज जी या दो चार हिंदुओं की बोलने की जिम्मेदारी नहीं है, इस भारत के 100 करोड़ हिंदुओं की जिम्मेदारी है। वरना आज तिरुपति बालाजी के प्रसाद में तुम्हें मछली का तेल खिलाया, कल तुम्हारे घर में तुमको खिलाया जाएगा और तुम बाग माता नहीं कर लोगे। और धीरे धीरे पूरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, सनातन से सब जो है विचलित हो जाएंगे और हम लोग केवल हिंदू हिंदू करके पैक बजाकर रील चलाकर वीडियो बनाकर फॉलोवर जोड़कर नाम कमाकर नेता बनकर के जो है मंच सजाएंगे। अब तुमको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा क्योंकि करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है। इसीलिए हमने अक्टूबर की सभी कार्यक्रमों को स्थगित करके ले लिया कि अक्टूबर में हम जो है कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रह करके भारत में क्रांति खड़ी करने की योजना बनाएंगे। अक्टूबर में दरबार तो लगेगा पर कम समय के लिए लगेगा, हम यहीं रहकर योजना बनाएंगे और भारत के हिंदुओं को जगाने के लिए आने वाले 20 साल में हम लोगों को क्या करना है इसकी हम योजना तैयार करेंगे, ताकि मंदिर हिंदुओं के आधीन हो, हिंदू धर्मावलंबी अगर मंदिर की सेवा करेगा, मंदिर का कारभार देखेगा तो वो पूजा पाठ में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को नियमित रूप से पवित्रता की जांच कर पाएगा। धर्म विरोधी कोई जो है नास्तिक अगर देखभाल करेगा तो वो धर्म भ्रष्ट करने की तैयारी करेगा, इसलिए सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए। वक्त बहुत हो सकता है, मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार जैसे हमारे ही प्रिय जिस समुदाय को हम हृदय से मानते हैं जैन बोर्ड
जो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी ने कहा है, उसी आधार पर अब भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को तत्क्षण सनातन हिंदू बोर्ड बना देना चाहिए। इससे मंदिर सुरक्षित रहेंगे, तीर्थ स्थल सुरक्षित रहेंगे, मंदिरों पर मस्जिद और चर्च नहीं बन पाएगी, फिर खुदाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, तोड़फोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको रहने का अधिकार है, जोड़ने का अधिकार है, लेकिन तुम लोगों की कायरता हिंदुओं की, तो तुम्हारे रहते हुए तुम लोग सांप के बिल में ऐसे छुपे बैठे जैसे सपेरे के भय से या मारने वाले के भय से सांप बिल में रहता। दूसरा, अभी हमको सूचना मिली कि हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही प्रिय मुख्यमंत्री जी ने जैन बोर्ड की चर्चा की। हम भारत सरकार से चाहेंगे जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है, और मंदिरों को उनके अधीन करके षड्यंत्र रचने वाले, प्रपंच रचने वाले सभी ताकतों पर तत्क्षण रोक लगाकर हिंदू बोर्ड बनाए जाने की हम पूर्ण रूप से मांग कर रहे हैं। और ये हिंदुओं की सहनशीलता देखकर हमारा तो खून उबाल खा रहा कि हम लोगों के देखते हुए वो कितने बड़े बड़े प्रपंच रच रहे हैं। वर्तमान समय में जो हिंदुओं के लिए प्रायोजित तरीके से षड्यंत्र चल रहे, हजारों सालों से, कई सौ वर्षों से तिरुपति बालाजी में भगवान की सेवा बड़ी पवित्रता के साथ चल रही थी, लाखों सनातन हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट कर दिया धर्म विरोधियों। चर्बी युक्त मछली के तेल युक्त लड्डुओं का प्रसाद भगवान को लगवा दिया और हिंदुओं को खिलवा दिया। कई धर्म आत्मा क्या धर्म भ्रष्ट हो गया। पूर्व समय में, पूर्व जमाने में इसी प्रकार के प्रपंच रच करके हिंदुओं का धर्मांतरण करते हुए पिछले दिनों में जो जो भी तिरुपति बालाजी का प्रसाद पाए हैं, हमारी उनसे प्रार्थना है आप कम से कम 9 दिन का प्राश्चित करें और वहां की प्रबंधक और उसके जो भी लोग हो उनको कठोर कार्रवाई उन पर की जाए, फांसी दी जाए, और वहां के सभी रहने वाले लोगों को भी 9 दिन का प्राश्चित परायण व्रत उपवास आदि तिरुपति बालाजी के सभी भक्तों को करना चाहिए। और ये पाठ्यक्रम को भारत सरकार जल्दी से बंद करे, सभी किताबें तुरंत वापस करवा दे, इसको बदलवा कर अहमद की जगह आदर्श, अवनीश, आकाश, आदेश इन नामों का प्रयोग किया है। सीताराम